तो पडाक मिल्क फूड्स की फाइनेंशियल या 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडर्ड लॉन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे है अब यहाँ पे सब फिगर्स मिलियंस पे तो दिया हुआ है लेकिन डोंट वरी अबाउट इट क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोड्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं सो ट्वेंटी ट्वेंटी टू के क्वार्टर में कंपनी ने 727.14 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली 654.08 करोड का इनकम जनरेट किया था एंड डिसंबर ट्वेंटी क्वार्टर में अप्रोक्सिमेटली फाइव ट्वेंटी का इनकम तो डिसंबर ट्वेंटी के क्वार्टर में पड़क ने दोनों के दोनों ही केस में एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है एंड उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोसीमेटली 712.25 करोड का खर्चा किया है सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 638.94 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रोक्सिमेटली फाइव हंड्रेड का खर्चा इस कंपनी ने किया था तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो डिसंबर ट्वेंटी

EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो डिसंबर 2022 ट्वेंटी की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.26 की सितंबर 2022 ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.62 की एंड 2021 ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.24 की तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह बहुत केसेस में निगेटिव में निकल के आ रही है तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो डिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे पहुंचे गेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है कंपनी की इनकम सिर्फ और सिर्फ कंपनी की इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कमी या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है तो अगर ऐसे ही चलती रही तो नो no डाउट एक पॉइंट ऑफ टाइम में आ करके ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी तो ओवरऑल जो ग्रोथ है कंपनी की वो तो नेगेटिव में निकल के आई रही है एंड उसके साथ साथ अगर ऐसे ही ग्रोथ कंपनी कंटिन्यू करी तो विद इन अ और टू यर कंपनी लॉस मेकिंग भी बन सकती तो है तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो वीक निकल के आ रही है तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ